ఈమె ట్రిపుల్ తలాక్ బాధితురాలు. కోర్టులో ఇంకా విడాకుల కేసు నడుస్తోంది. కుటుంబ భారాన్ని ఈమె మోస్తోంది. ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఓ కార్యక్రమంలో మోదీని కలిసే అవకాశం వచ్చింది ఈ మహిళకు. ఆ సమావేశంలో అంతరి హృదయాలను టచ్ చేసేలా ఈమె మాట్లాడింది. సౌత్ ఇండియన్ మే బిజినెస్ కర్తీ హూ సర్, జో డోసా ఇడ్లీ వగైరహ సబ్ మే ఖుద్ కర్తీ హూ సర్. జీ హాన్ సర్, మే ఖుద్ బనాతీ హూ सर. जो जिन पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा. मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ. ఈమె షాప్ నడుపుతూ సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడింది. మోదీని చూడగానే భావోద్వేగానికి లోనైంది. తన సమస్యలను చెప్పుకుంది. అంతేకాదు సార్, తనతో ఫోటో దిగాలంటూ అడిగేసింది. ఆ ఫోటోను షాప్ లో పెట్టుకుంటానని చెప్పింది. అర్థా లాక్డౌన్ హో గయా థా తో ఉస్కే బహుత్ జ్యాదా దిక్కతే థీ. దో బేటియా సహారా కుచ్ భీ నహీ థా. ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज्यादा परेशानी है हमको ही थी. दो बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते क्या करते. फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला. आज सर मैं अपनी दो बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से. बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े. जो आज मैंने दिन देखे इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं देखे. थैंक यू सर. बस सर आप लोगों की बदौलत है. बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें. बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर. कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता ना ही बस. सर ये मेरा चार साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था. मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था. आज सर मेरा केस चल रहा है. बस मैं ये सोचती जो मेरे मुझ पर बीती है वो मेरी दो छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते. बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे. सर हम आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फोटो खिंचवा मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर. మోదీ తీసుకొచ్చిన పథకాల ద్వారా తన కాళ్ల మీద తాను నిలబడ్డానని ట్రిపుల్ తలాక్ బాధితురాలు తెలిపింది. ముస్లిం మహిళ మాట్లాడిన తీరుకు మోదీ కూడా ఫిదా అయ్యారు. మహిళ కోరినట్లుగానే మోదీ ఆమెతో కలిసి ఫోటో దిగారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. సౌత్ ఇండియన్ మే బిజినెస్ కర్తీ హూ సర్, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर. जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सर. जो जिन पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा. मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ. और सर लॉकडाउन हो गया था, तो उसकी बहुत ज्यादा दिक्कतें थी. दो बेटियाँ सहारा कुछ भी नहीं था. ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज्यादा परेशानी हमको ही थी. दो बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते क्या करते. फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला. आज सर मैं अपनी दो बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से. बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े. जो आज मैंने दिन देखे इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे और कुछ नहीं देखे. थैंक यू सर. बस सर आप लोगों की बदौलत है. बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें. बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर. कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता ना ही बस. सर ये मेरा चार साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था. मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था. आज सर मेरा केस चल रहा है. बस मैं ये सोचती जो मेरे मुझ पर बीती है वो मेरी दो छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते. बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे. सर हम आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर उनके साथ मैं फोटो खिंचवा मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर. सर मेरे सर पे रख दीजिए. बहुत बेटा, सुखी रहो.